माँ से उसकी माँ बोली थी पैसा देगी तो भी क्या हो गया भाई? सोच रही थी कैसे भी पैसा नहीं निकाली तुम हमको लगना नहीं कि साथा निकालेंगे। बाप रे देख रहे नानी को किसी दे दिया। हेलो दोस्तों, नन्ही आशीष ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आप तुम कैसे हैं? दोस्तों मुझ कहते अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों तभी देख सकते हैं काफी रात हो गया है दोस्तों और अभी हम लोग टाइम नहीं मिलता, दिन भर तो घर का काम में बिजी रहते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे तो छड़, अरे लोही छड़ का बात करने के लिए, छड़, गिट्टी और एल्वेस्टर, और एल्वेस्टर के सामने जो मोटा वाला पाइप होता है ना दोस्तों, वो सभी का पता करने जा रहे हैं क्यों काम आएंगे ना, तो सारा पता करके रखेंगे। तो इसलिए हम लोग जा रहे रात को, क्यों कल हमको गिराने ही है ना जी, तो इसलिए हम लोग जितना हो सके जितना क्या करेंगे इधर पता कर ले रहे हैं, फिर देखेंगे जैसा रेट अच्छा लगेगा जिधर सस्ता होगा दोस्तों उधर हम लोग गिरा लेंगे सामान। जिधर का रेट पता कर यहाँ भी पूछ लेंगे, दाम खरीद लेते हैं, दो तीन दुकान पूछ के देख लेंगे। कुछ पैसा भी बाकी था दोस्तों जो सिर में पैसा भी दिया तभी तक दिए नहीं, करीब 10 दिन उनका हो गया तो उनको पैसा भी देना है और बाकी फिर हम उधर से जाएंगे ना लोन, और मेरी मम्मी बोली थी पैसा देंगे तो उनसे भी मांगेंगे दोस्तों कि मम्मी निकाली है कि नहीं निकाली। और महिला समिति में तो जाएगी, दो ग्रुप साइन होगा, निकाली की तब मिलेगा, देखते हैं अगर ग्रुप का पता लेते हैं मम्मी से देखते हैं और निकाली होगी तो मांगते हैं, दे देगी तो हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग निकलेंगे, तैयारी भी हो गए हैं और गुल्लू भी तैयार हो गए, आशीष जी भी, और चलिए निकलते हैं। सीधा फिर पहले तो रास्ते में ही दुकान पर तो पैसा दे के जाना, पूरा यहीं से मतलब पूरा ढीलते जाना है, तो मतलब पूरा पता करते जाना है। चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं पैसा देने के लिए, अभी यहाँ पे सामान वामान लेते हैं, बात भी करेंगे कैसे कैसे सामान दिए। चलिए इतना बदमाशी नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, मामा पैसा दे रहा है ना, तुम बदमाशी कर रहे हो। चलो चलो चलो, मामा पैसा दे रही है। चलो दोस्तों काम हो गया, चलो मैं पता करने क्या पापा को फोन करना है। हां चलो, नंदिनी अपना मायके भी जाएगी, घर भी जाएगी, बस इतना रेट था हम लोग का, चलो जो पता था अमाउंट मतलब बैलेंस जो था हम लोग सब क्लियर कर दिया है, निकलते हैं। चलिए अभी हम लोग नंदिनी के घर पहुँच गए दोस्तों, काफ़ी सब तरफ पता किए, रेट तो मालूम चल गया दोस्तों, देखते हैं कल सुबह पता चलेगा, अभी तो चलिए मिल लेती है। चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं मम्मी घर, और मम्मी ये देखिए गुल्लू को, गुल्लू एकदम दौड़ के गए और नानी पास सट गए हैं। नानी को बहुत दिन से नहीं प्यार किया था ना गुल्लू, और हमेशा अंजलि अंजलि का नाम ज्यादातर लेता है, अंजलि अंजलि ना, कहाँ गए अंजलि? ओ देखो अंजलि किचन में है। मम्मी पैसा निकाली दोस्तों, मम्मी पैसा नहीं निकाली, तुम हमको लगना नहीं कि साथा निकालने बता दे, नहीं आता पैसा निकालने कैसे, हमको भरने आते ही नहीं। ओ मतलब मम्मी को पैसा नहीं आता है दोस्तों भरने के लिए, तो एक दिन आशीष जी को लिया ले जाना पड़ेगा तभी निकलेगा, मम्मी से कर्ज लेना पड़ रहा है, ऐसा दिन आ गया है। मगर मेरी माँ अपने खटखट के बेटी को दे रही है, अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मम्मी का कहना है कि जल्दी बना के अपने घर पर शिफ्ट हो जा, इसलिए बना रहे हैं। और अभी क्या कर रही है माँ? पापा कहाँ गए? पापा काम गए दोस्तों, पापा से भी कुछ काम है, उनको भी पता है ना रेड वगैरह कैसे देते हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट रहेंगे, उसके बाद हम भी यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। और हम जा रहे हैं, थोड़ा कुछ सामान घट गया घर का, राशन वोशन, अभी तेल नहीं है, थोड़ा आशीष जी का मूड ही नहीं है दोस्तों, शाम होता है ना तो नाश्ता वास्ता करने के लिए नहीं होता है, तो ही लाने के लिए इंटर में ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको ठोक रहा है बटवा ट्रे करना। ए मम्मी तेरे पास प्लास्टिक है? मैं कभी याद आया ना जी, प्लास्टिक भी चाहिए ना, प्लास्टिक देखेंगे पापा आएंगे ना दोस्तों तभी काम होगा, क्योंकि पापा को पता है, उन पापा पहले माल गोदाम में काम करते थे ना, तो जो मतलब वहाँ पे पहले आप भी करते हैं, अभी अब कहाँ होता, अब तो बंद हो गया ना दोस्तों, पहले होता था ना तो वहाँ मतलब प्लास्टिक आता था गेट में लगा हुआ, गेट में लगा हुआ था सिरमिट वाला में, कि हवा वो ना जाए मतलब कुछ भी पानी वगैरह, तो उसमें पापा ना निकालते थे से वो। चलिए तो आएंगे तब पता चलेगा, अब आएंगे तब पता चलेगा, जा रहे कुछ कुछ सामान लाने के लिए, वही सब ज्यादा सामान नहीं है, बस अभी खुचड़े खुचड़े ला रहे दोस्तों,
हाँ नहीं तो फिर कहा तो चले तो गुल्लू को छोड़ के, काफी वो चिल्ला रहे यहाँ पे, पता है कितना बदमाशी कर रहा है। कुछ दिन ही रहेगा, कुछ दिन ही अभी, कुछ देर ही रहेगा, कुछ देर ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम सोच रहे थे छोड़ के चल रहे गुल्लू को, क्या करते चले दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, सारा सामान हम लोग लेके आ गए, ज्यादा कुछ तो नहीं लिए, पैसा खत्म हो गया दोस्तों। तेल बनाए ना गाड़ी में, तेल भी खत्म हो गया था तो इसीलिए पैसे नहीं बचे, तो जितना हम लोग जोत का सामान था सब ले लिया। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, मम्मी घर जाना है, बाबू अब देखेंगे। बाबू वो खेल रहा होगा वहाँ पर, उसको टेंशन नहीं है। ये पहुँच गए हैं घर, अब गुल्लू की नंदनी कुछ भी नहीं लाई दोस्तों। कैसे देखेगा इसको गुल्लू, बोलेगा कुछ लाई होगी माँ, झोला देखेगा सबसे पहले। दोस्तों जैसे उसे झोला तो मुड़ी मिल गया गुल्लू का ना, मुड़ी क्या खाने के लिए, ज्यादा सामान तो नहीं लिए, वो खाने वाला सामान देख के निकाल लिया। चलो खाने का सामान निकाल लिया, खाना भी निकल गया है, और जो भी बात था करना तो पापा से बात कर लिए हैं कैसा क्या लगेगा। तो पापा बोले सबसे अच्छा है कि बाहर गेट में ये लकड़ी वाला है ना दरवाजा, वो लगा लो, सबसे अच्छा रहेगा और सस्ता में काम भी हो जाएगा। क्या मेन गेट थोड़ा मजबूत रखेंगे दोस्तों, तो उसके भी बात हो गया, छड़ उड़ का भी बात हो गया है, और सारा चीज का पूरा फाइनल हो गया। अब हम लोग खाना ना खा के, अब कल सामान देखिए क्या रेट में गिरता है, बोल तो दिए हैं पापा, बोले हम देखते हैं क्या जी। तो चलिए दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं, खा लीजिए। और गुल्लू देख रहे कैसे कर रहे, इतना बदमाश हो गया है, मटर छिम्मी का सब्जी और सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, अंजलि बनाई टेस्टी सब्जी, बहुत दिन के बाद मेरे यहाँ तक एक बार भी सब्जी नहीं बनाई है खाना, सिर्फ रोटी बनाती थी, भात बनाती थी और कुछ नहीं, सब्जी हम ही बनाते थे। तो चलिए दोस्तों खा लेते फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग निकल रहे, खा पी लिए, और ये जो बैलून रखा हुआ था ना पहले से ठीक है टूट गया, गुल्लू तोड़ दिया था, तो मम्मी बोली लेते जाओ उसको वहीं पे फेविकोल से जो फेविकुक से जोड़ देना और गुल्लू खेलेगा। बाय अंजलि, चलेगी चलो घर दोस्तों, कहीं भी नहीं, मम्मी भी इतना खुद थकी हुई रहती है तो कहाँ लेके आएंगे। और काफी रात हो गया, तब हम लोग जा रहे, कितना बजते होगा जी, साढ़े दस, साढ़े दस हो गया, दस साढ़े दस हो गया होगा। ए देखिए नानी के पास चिपका है, नानी से बात कर रहे, हम जा रहे बाय बाय, उनको छोड़ के जा रहे, देख रहे गुल्लू जब से नानी के पास चिपका था, जब देखते है ना कि जाने का टाइम हो गया तो चिल्ला रहे हैं बाय 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 कर रहे हैं। अभी सब आ रही है, ए रिया को 5 रुपये दे दीजिए, चलो हम बैठते हैं, चलिए अभी यहाँ से निकलेंगे। और काफ़ी इतना ठंडा नहीं है तब नहीं बुझाएगा, नहीं तो ठंडा में तो और बुझा जाएगा। देखिए हम जा रहे हैं ना गुल्लू, बाय बाय, ए देखिए गुल्लू और चिल्लाने लगी है। कमरे में कहीं जा ही लगे, जा भी पापा मारेगा क्या, जा गई चिम्मा ले दे, पापा नानी को चिम्मा दे दो जल्दी, बाप रे देख रहे नानी को किसी दे दिया, बाय बाय कर दो, बाय बाय, तो चले दो, तो बाय बाय बोल दिया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, घर का चाबी, घर का चाबी दोस्तों, पापा मंगा लिया, वही अच्छा है, अच्छा वो बच गए, तो आज हम घर में कुकड़ी हो जाते आज, फिर तुम्हारा जाना पड़ता बाबू, दोस्तों चाबी रखे, बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो चले ए तू मेरा नाम लेना कम कर, अब बाय बाय आना मत मेरे घर, वो कहे नहीं आएंगे, मेरा नानी का घर है, बाय बाय करो गिर जाएंगे। तो चले दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ब्लॉग पे बने रहे, घर पहुँचते फिर मिलते आपसे। हम लोग आ गए हैं सीधा घर, और बाहर लगा दिए ताला, और इधर अब खोलना है दोस्तों ताला, चलिए ताला खोलना है। अच्छा आप पता है उधर से आते समय ना हमने 10 रुपए का आइसक्रीम छुपा छुपा के खाए, गुल्लू देख लेता है, बाप रे देख लेता है दोस्तों, पूरा मान हो जाए, एक दो बार मेरे पे शक किया मम्मा कुछ खा रही है, फिर हम बोले नहीं बेटा तुम दूध पियो, तो क्या करते है पता चलता ना तो गाड़ी में मारता। चलो बेटा चलो, सामान लेके आ जाइए, झोला
यार बेलूम रख देते दोस्तों, एक घर में रख देंगे ना। बंद कीजिए ना आगे, थोड़ा बहुत जो घटा रहा दोस्तों। बंद कीजिए ना आगे, नहीं तो पूरा घर में घुट जाएगा। आज ज्यादा सामान नहीं ले दोस्तों, थोड़ा बहुत सामान लिए जा रहा, आगे हाथ पैर धो लेते, उसके बाद सारा सामान को निकाल के रख देंगे डब्बे। सभी की ज्यादा कुछ सामान नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जो घट गया था नंदिनी वही सब लेके आई, जरूरी सामान सब। चाय बनाने के लिए चीनी लेके आई, क्योंकि सभी काम करते तो चाय देना पड़ता है। अरे शैम्पू क्या, कुछ ज्यादा सामान नहीं है, चलिए नंदिनी सबको रख दे रही है अपना। दोस्तों सभी अब सोने लगे हैं, काफी थक गए हैं। अभी पति देव को एकदम बोल रहे हैं कि थोड़ा पैर दबा देने के लिए, और इधर गुल्लू सो गया है देख सकते हैं। अब हम भी सो जाएंगे, गोरू थोड़ा दबा के थक गए हैं काफी। तो चलिए दोस्तों गुड नाइट, सीधा सुबह आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, तभी नंदिनी अपना काम में। हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुल्लू जी तो अभी हम इन्हें बुलाया, क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे इधर, कितना बदमाशी कर रहा दोस्तों, क्या हुआ इधर, को क्या क्या कर रहे इधर इधर। देखिए सुबह सुबह उठ के पूरा खेल रहा है अपना दोस्तों। चलिए गुल्लू जी को खेलने देते हैं हम लोग। चलिए बेटा अभी मम्मा झाड़ू मारी ना, अभी मम्मा झाड़ू मारी ना, अभी मम्मा झाड़ू मारी है, छोड़ दो मम्मा को। कितना बदमाश कहाँ कहाँ से सामान लेके आता है। हाय बोल दो, हाय बोल दो। बहुत बदमाश हो गया ना जादू जादू। चलिए सब घर का काम हम भी करें, खेलने देते हैं इसको, लोग खेल जाओ जा, तुम खेलो जा, गुल्लू अपना खेलेगा। और सभी मिस्त्री भी आ गए हैं, अपना काम को कर गए हैं, सामान लेके चले गए सभी। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, काम चालू हो गया है। नंदिनी उदास हो गई है ज़्यादा, क्योंकि अभी पैसे की दरकार पड़ रही है, क्योंकि जरा डूढ़ सब गिराने हैं ना छड़ उड़ क्या, इसीलिए नंदिनी सोची मम्मा से उसकी माँ बोली थी पैसा देगी, तो भी अभी निकाले नहीं है ना बैंक से, इसलिए मम्मी को निकालने नहीं आता, नहीं आता सही बोली नंदिनी, इसलिए बोली कि हमको कोई लेके जाएगा तब तो जाएंगे। हम लोग को बस टाइम कहाँ मिला, तो शाम हो गया है दोस्तों, इसीलिए नहीं निकल पाई। तो अगर हम दिन में पहुँचे ना वहाँ तो हो जाता था, मम्मी को लेके चल भी जाते, लेकिन इधर में काम बहुत सारा था तो देखना पड़ते। चलो बेटा चलो चाय बनेंगे, देखिए इधर भी काम हो ही रहा है, सेंटरिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ, आज हो ही जाएगा, आज एकदम कम्प्लीट है। हाँ दो तीन दिन तो हो ही गया, अब मट्टी जो इतना है उसको अभी तक फेंकाया नहीं हुआ, कल फेंकते फेंकते शाम हो गया था इसलिए नहीं फेंका। आज तो बहुत काम है दोस्तों, इसलिए मट्टी तो नहीं फेंक पाएंगे, जितना होगा आज फिर फेंकाएगा। चाय के लिए देखिए कितने बदमाशी करता है, नहीं मिले तो चाय, अब हाँ चाय के लिए मार कर लेता है ये लड़का, तो सभी को चाय देने जाएंगे। तो दोस्तों गुल्लू को चाय दिए कप में, हल्का सा दिए थे, क्या किया है कप ही खा गया, चाय 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 तो पिए ही पिया, कप भी खा गया था, देखिए फेंक दे बेटा खराब हो गया था, फेंक दो दूसरा देगी मामा, फेंक दो फेंक दो फेंक दो दूसरा कप मिलेगा, फेंक दो फेंक दो, छी छी फेंको, क्या से दिया चाची, फेंको नहीं फेंक रहा, मीठा लग रहा है, कितना बार मुझे बात होगी। चलिए चाय तो लेके आ गए ये नंदिनी, दे देगी दोस्तों, गिट्टी बालू तो आ रहा है एक डेढ़ घंटा में। आप लोग भी चाय पी लीजिए, चलिए पीते हैं ना, नहीं देखिए बैठ गए फिर उदास होते, क्या हो गया भाई, सोच रहे थे कैसे बनेगा कैसे नहीं, नहीं अभी भी सोच, हाँ मेन तो कोर्ट में पैसा चला जा रहा है हमारा, घर चल जा रहा है, आज भी इतना तो सर पे इतना दिमाग में तो कैसे, वो हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी भी है सब कुछ है ना, थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रहा है, फिर भी चलिए कैसे कैसे हम लोग चले गए। गुल्लू जी आगे चाय पीने देना, देखो भूख लगती है, नंदिनी का भूख मर गया, चाय पीती है तो क्या भूख लगेगी, क्या भूख लगेगी, इतना सब ये डके हैं, जब तक घर में बनेगा तब तक है डके, चलिए वो काम तो हो ही रहा है। पापा भी बोल रहे हैं कि अभी लकड़ी का ये बना दरवाजा ठीक ठाक ले,
हाँ तो अभी जैसे तैसे काम चलाना ही होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, ब्लॉग को ही करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए हमारा वीडियो का। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दीदी, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय गुल्लू, बाय बाय कर दो, बाय बाय बोल दो।